हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन में आंशिक भिन्नों द्वारा इंटीग्रेशन को कैसे हल करते हैं उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो सभी छात्र यहां देखें, तो आंशिक भिन्नों द्वारा समकलन, तो इसमें हम एक परिमेय फलन दिया हुआ है जिसमें अंश है और हर है। यदि अंश की घात हर की घात से कम है तो हम उसको उचित परिमेय फलन कहते हैं, और यदि अंश की घात हर की घात से ज्यादा हो तो उसको हम विषम परिमेय फलन कहते हैं, और विषम परिमेय फलन को हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो एक हमको पूर्णांक फलन मिलेगा और साथ में इस फॉर्म में फलन प्राप्त होगा। और इसके साथ यह जो मिल रहा है पी वन एक्स अपन क्यू वन एक्स, यह उचित फलन होगा। क्लियर? तो यदि उचित फलन है तो आपको आगे जाना है, और यदि उचित फलन ना होकर के विषम परिमेय फलन है तो आपको इस टर्म में कन्वर्ट करके फिर हमको आगे की कार्रवाई करना पड़ेगी। ठीक है? तो हम यहां पर कुछ परिमेय फलन के रूप दिए हुए हैं, उसको आंशिक भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमको इस फॉर्म में कैलकुलेशन करना होगा। तो इनको नोट कर लें कि यदि इस फॉर्म में फलन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 में, तो उसको आंशिक भिन्न के रूप में इस रूप में हमको बदलना है, जिसमें ए बी सी के मान हमको ज्ञात करना पड़ेंगे। तो ये टेबल जो दी है इसको आप लोग नोट कर लें, इसकी जब कैलकुलेशन में यूज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। अब हमको यह दिया हुआ है फलन, इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। तो हम इसको देखते हैं कि एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसको हम आपका हर एक सा है तो अंश की तुलना करने पर, अंश की तुलना करेंगे तो हम यहां देखते हैं कि x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a प्लस बी, और a प्लस बी और x का गुणांक है, और यहां x का गुणांक एक है तो इसका मान हो जाएगा एक, और कांस्टेंट में देखेंगे 2a प्लस बी, और यहां अचर पद जीरो है तो इसका मान जीरो लेके चलेंगे। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर b और b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका माइनस a इक्वल वन, तो इसका मतलब a इक्वल टू माइनस वन। अब a का मान माइनस वन रखते हैं इस समीकरण में, माइनस वन प्लस बी इक्वल वन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा टू। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको समाकलन किसका ज्ञात करना है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो हम इसको इस रूप में रखा है तो यहां हो जाएगा समाकलन, यहां डी एक्स लिख दीजिए साथ में, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस समाकलन बी, बी कितना दिया हुआ टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, और इनका समाकलन क्या होगा, माइनस वन इंटू लॉग एक्स प्लस वन, और इसका समाकलन कितना होगा, टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सम कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर,
और इसको और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टराइज करने पर x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के नियम से क्या हो जाएगा, a लेकर चलेंगे प्लस b x प्लस थ्री। अब हम देखते हैं कि वन इक्वल ए के साथ एक्स प्लस थ्री और बी के साथ एक्स माइनस थ्री, तो हम यहां देखते हैं ए इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस थ्री ए माइनस थ्री बी। तुलना करने पर ए प्लस बी इक्वल जीरो और इसके साथ क्या है थ्री ए माइनस थ्री बी इक्वल वन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा a माइनस बी इक्वल वन बाई थ्री, और यहां क्या दिया हुआ था a प्लस बी इक्वल जीरो, इन दोनों को हमने जोड़ दिया b और b कैंसिल हो गया, टू ए इक्वल वन बाई थ्री a इक्वल वन बाय सिक्स, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन बाय सिक्स। तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन आपका ज्ञात हो गया, a और b के मान ज्ञात हो गए, तो हमको इंटीग्रेशन किसका करना था, इसका x स्क्वायर माइनस नाइन इंटू डी एक्स, तो इसका मान आपका हो जाएगा a का मान है वन बाय सिक्स अपॉन x माइनस थ्री इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b का मान है माइनस वन बाई सिक्स अपॉन x प्लस थ्री इंटू डी एक्स। तो इसको हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन में कॉमन निकाल लें या ऐसा करें वन माइनस एक्स और यहां आ जाएगा log x माइनस थ्री माइनस माइनस वन बाई सिक्स लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, क्लियर। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते कि वन बाई सिक्स को कॉमन निकाल दिया, लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ये आंसर आपका हो गया, क्लियर। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो टू एक्स अपॉन एक्स कॉमन निकल गया एक्स प्लस टू प्लस वन कॉमन निकला एक्स प्लस टू, तो इसका मान आ जाएगा 2x अपॉन x प्लस टू एक्स प्लस वन, और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के नियम से क्या लिखेंगे, a अपॉन x प्लस टू प्लस b अपॉन x प्लस वन, क्लियर। अब हम इसको देखते हैं कि 2x कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, a के साथ x प्लस वन बी के साथ मल्टीप्लाई जाएगा एक्स प्लस टू, तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी एक्स ए प्लस टू बी, क्लियर। तुलना करने पर तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू, यहां देखिए एक्स के साथ गुणांक में दो है
और यहाँ x के साथ गुणांक में a प्लस बी है, इसके साथ देखो a प्लस टू बी इक्वल जीरो। इसको क्या करेंगे, घटाने पर माइनस 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 ये कट जाएगा, यहां क्या बचेगा माइनस बी इक्वल टू, दिस इंप्लाई बी इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, बी का मान माइनस टू रखने पर यहां पर ए बराबर कितना हो जाएगा फोर। तो हमारा जो समकलन है उसका मान कितना आ जाएगा, किसका समाकलन चाहिए था हमको, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू आपका आ जाएगा ए, ए कितना है फोर, फोर कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। और बी कितना दिया है माइनस टू, यहाँ माइनस टू कॉमन निकल गया, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा फोर लॉग एक्स प्लस टू माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से सभी छात्र और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।